खुद को ईमानदार और अन्य पार्टियों को बेईमान साबित करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी अब उस राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं जिसे किसी और की नहीं सिर्फ सत्ता की भूख होती है, जो हर हाल में सिर्फ सत्ता चाहता है। क्योंकि अब तक जो केजरीवाल छाती ठोककर कांग्रेस और बीजेपी को बेईमान और भ्रष्ट बताते थे, अब उन्हीं की राह पर चल पड़े हैं। जो केजरीवाल शीला दीक्षित को पानी टैंकर घोटाले के लिए जेल में डलवाने की बात करते थे, अब वो खुद ही भ्रष्टाचार की नीतियों पर आगे बढ़ने लगे हैं। सुनने में आया है कि अब दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन के आसार लग रहे हैं। बीजेपी के सामने अकेले खड़े होने से हर एक पार्टी डर रही है। चलिए देर से ही सही, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी आखिरकार ये एहसास हो ही गया कि वो अकेले मोदी जैसे पहाड़ को चुनौती नहीं दे सकते, तभी तो चाहते हैं कांग्रेस से गठबंधन। दिल्ली कांग्रेस चीफ शीला दीक्षित ने प्रभारी पीसी चाको और पार्टी के अन्य सीनियर नेताओं के साथ इस सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। हालांकि मुलाकात से निकलकर क्या आया इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन संभावनाएं हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 3 से 4 फॉर्मूले पर बात बन गई है। सूत्रों की माने तो हरियाणा और दिल्ली में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो सकता है, जब हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को उतनी ही सीटें देने के लिए राजी हो जाए जितनी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से दिल्ली में चाहिए। दोनों पार्टियों के बीच दो दो सीटों पर फॉर्मूला तय हो सकता है। इसके अलावा ये भी संभव है कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में एक संशोधन करे, वो संशोधन भी ऐसा जो दिल्ली के लिए बहुत खास है, सत्ता में आने पर दिल्ली को अगले 6 महीने में पूर्ण राज्य का दर्जा देने का संशोधन। अगर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ये संशोधन करती है तो संभव है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर सहमति बन जाए। गौर करने वाली बात यहाँ ये भी है कि अभी हाल ही में रविवार को जारी हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने जैसा कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने तक दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार का नॉमिनी होगा। अब ये संभावनाएं तक बन गई हैं कि जब बीजेपी का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है तो अभी तक खुद को लेकर कॉन्फिडेंट अरविंद केजरीवाल का विश्वास डगमगाने लगा है, इसलिए शर्तों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। अगर शर्तें मान ली गईं तो फिर दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन लगभग निश्चित ही है। फिर दिल्ली में भी दोनों पार्टियों के गठबंधन से इनकार नहीं किया जा सकता।